नमस्कार दोस्तों, जवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास काफ़ी कम ही टाइम बचा हुआ है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के। ठीक है, तो जल्दी से आपका जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से मॉक वगैरह और रिविज़न वगैरह आप करते रहिएगा। देखिए, अगर हम बात करें आपकी कट ऑफ की, तो आप सभी को पता है कि कट ऑफ आपकी लगभग मैक्सिमम, अगर हम एक आइडिया लगा करके चलें, जो जनरल कैटेगरी है वो 135 के आसपास इसकी कट ऑफ चली जाती है। 130 140 तक भी इसकी कट ऑफ रही है, वो डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल के ऊपर। लेकिन इस बार जो है आपकी थोड़ी सी कट ऑफ जो है कम जाने के चांसेस रहेंगे। कारण है कि यही है कि अब की बार जो है आपका जो सीजीएल है उसी का पैटर्न को देखते हुए सीएचएसएल इसी तरीके का आएगा, और पिछले साल भी इसी तरीके से उन्होंने किया था, और उससे पिछली बार क्या हुआ था, पेपर का लेवल आसान था तो कट ऑफ हाई चली गई थी। लेकिन जिस तरीके से सीजीएल के एग्ज़ाम आ रहे हैं, पैटर्न सेम वहीं रहेगा। और आप सब ने देख ही लिया होगा कि जीके कितने हाई लेवल की आपसे पूछी जा रही है। जीके का काफ़ी अच्छा लेवल है और मैथ का काफ़ी अच्छा लेवल है आपका। तो इन दोनों लेवल को अगर आप देखिएगा, और उसके बाद हम जो है एक डिसीजन आपका लगाएं, तो पिछले साल की तरह ही कट ऑफ आपकी इस बार भी इतनी ही रहने वाली है। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली, लगभग 130 नंबर अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं और 130 नंबर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं, तो फिर आपका चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स तो क्वालिफाई यानी कि टायर वन क्वालिफाई हो जाएगा। उसके अलावा पिछले साल की कट ऑफ वही सेम जो आपकी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस रही थी, सेम उसी के आसपास आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, 5 या 10 नंबर तक का आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा, 3 से 4 नंबर तक का गैप हो सकता है, नहीं तो इससे ज़्यादा आपका कोई चांसेस नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है एक साल के अंदर ही। और अब की बार थोड़ा सा रेलवे के एग्जाम भी हैं, तो वो जो स्टूडेंट है वो फोकस रेलवे की तरफ कर रहे हैं। ग्रुप डी भी आपको पता ही आ चुका है, और आपका एनटीपीसी है, यूपी लेखपाल है, तो तमाम एग्जाम की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट इतने ज़्यादा एग्जाम देने भी नहीं जा रहे हैं आपका सीएचएसएल का, तो इतने नंबर तक अगर आप अपना तैयारी कर लीजिएगा तो फिर बिल्कुल आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा चैनल पर। जैसे ही और किसी एग्जाम से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और ऑफिशियल नोटिस जब भी किसी एग्जाम का आएगा तो तुरंत इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।